लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए ये एक सरल चीज बहुत कठिन बन जाती है।
जैसा आपको बताया गया डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो यही चीज बहुत जरूरी बन जाती है। अगर अनुशासन की बात करें तो मलन सर आपने साथ जून में कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया, जून में ओपन कर दिया था, जून लास्ट मार्च में आपने ओपन कर दिया था। अगर अनुशासन की बात करें तो ऐसा क्यों हुआ कि 25 से 28 के बीच में मोस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सिंपल चीज को फॉलो करना बहुत कठिन हो रहा है। ईवेंट्स बहुत सरल है लेकिन सरल चीजों को फॉलो करना बहुत कठिन हो जाता है। आपके अप्लायंस ने आपको बताया होगा, अगर क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे ट्रस्ट का बहुत बड़ा मायना होता है, यहां पे सारा गेम जो है वो सारा गेम ट्रस्ट का है। हमें लोगों से कनेक्ट होना है। अब किसी भी रिश्ते की बात कहीं ना कहीं हम रिश्ते बनाने के बिजनेस में, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग रिलेशनशिप, इट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। यस ऑर नो? आपको सिखाया गया होगा ये बात, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। ट्रस्ट बनाने के लिए हमें अकाउंटेबल बनना पड़ता है। अब आपकी अप्लाइंस ने सीधे शब्दों में बता दिया होगा कि आपको अकाउंटेबल बनना पड़ता है, प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। बट अकाउंटेबल बनना एक सरल सेंटेंस है कि आपको अकाउंटेबल बनना है, लेकिन इसको अनुपालन करना, इसको अपनी जिंदगी में लाना, ये बहुत कठिन बन जाता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम हमें ये नहीं है, मैं सारे डायमेंशन लोगों की भी बात करूंगा यहां पे, क्योंकि मैं बात आपसे कर रहा हूं, मैं डायमेंशन लोगों के लिए बात कहना चाह रहा हूं। स्पेशली हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्या नहीं पता है। आर ट्रू चैलेंज इज नॉट व्हाट वी डोंट नो, आर ट्रू चैलेंज इज वी डोंट डू व्हाट वी नो ऑलरेडी। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें क्या नहीं पता है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो हमें पता होता है। अदरवाइज सर आप हर एक डायमंड सर्कल में सारी बातें आपको बता देते हैं, आपके एक एक शब्द लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं और आपके एक एक शब्द में मेरी भी जिंदगी बदली जा सकती है। अगर आपके एक एक शब्दों का अनुपालन आप अपने जीवन में ला देना, मैं कह रहा हूँ सर आप बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं कह रहा हूं आप 10% बातों को अपने अंदर लेकर उसको अगर इंप्लीमेंटेशन कर दें तो लोग की जिंदगी तब्दील हो जाती है। सर ये जो हाईएस्ट स्तर का सपना लेना है, इसके लिए बहुत बड़ा सपना, दो सौ हाईएस्ट स्तर बहुत डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे डायमंड सर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 400-500 डायमंड सर वो बैठे हुए हैं, 400-500 इतनी ताकत है कि 200 हाईएस्ट स्तर की बहुत बड़ी बात नहीं है सर। जो हम नमाज और वैंकोर का ड्रीम ले रहे हैं, ये ड्रीम बहुत दूर नहीं है हमारे, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें पता है उसको हम इंप्लीमेंटिंग नहीं कर रहे। बहुत सरल है लेकिन अपने आप को सरल बनाना आज की डेट में बहुत कठिन है, और कलयुग में 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा कठिन है। हम बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कैसे हाईला पे पहुंच गए, सारे लीडर्स जानते हैं सर मैंने अपना हाईला पे लिखा ही नहीं आज तक आई। अगर मेरे पास चावला जी यहाँ पे गवाए समाज जी हिमांशु जी अरुण सोलन जितने भी हमारे आशीष अगर मेरा काम होता है तो आपको मैं आपको बताऊं, हो सकता है मैंने काम किया हो अपने लिए 2011 तक जब मैं कॉलेज में रहा हूं, और उस समय इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी मेरे को। जब तक मैं कॉलेज में था हो सकता है मैंने अपने लिए काम किया हो, अपने पैसों के लिए काम किया हो, लेकिन कॉलेज से पास आउट होने के बाद, और सर वी वर वेरी लकी, वी आर वेरी लकी कि आफ्टर 2011 हमें आपसे कनेक्ट होने का मौका मिला। जो भी हुआ था उसमें डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट में आ गए थे और दिल्ली एनसीआर में भी इतना अक्सर मुलाकात भी हो जाती थी। जब ईवीएस समझ में आई, मेरे को लगता है कि ईवीएस मैंने समझा आफ्टर 2011, और 2011 में जो मेरा ग्रुप साइज था वो 7,000 लोगों का था।
7000 लोगों की टीम थी उस समय जिसको हम जिसके लिए हम काम कर रहे थे। 7000 लोगों में से कुछ एक्टिव थे, बहुत सारे इनएक्टिव थे, लेकिन वहाँ से चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि काम कैसे होना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैंने काम किया है पूरी ईमानदारी से, मैं बात कह सकता हूँ, भगवान भी मेरा जानता है, मैंने काम किया है तो अपने लीडर्स की सक्सेस के लिए काम किया है। अगर अगर प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग का हिस्सा रहे होंगे उदित चावला जी को हैदराबाद में कैसे आना है, उस प्लानिंग का हिस्सा रहे होंगे सिद्धार्थ विक्रम सिंह हैदराबाद में कैसे आ सकते हैं, अमित सोलंकी जी हैदराबाद में कैसे आ सकते हैं, हिमांशु गौर जी, सुमांशु गौर जी, माइक मैसी, जितने भी सीनियर लीडर्स आगे बैठे हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। कभी मैंने सपोर्ट कभी ये बात को देख के नहीं किया है कि हाँ ये मेरे डिप्लोमेट है, ये मेरा वो सपोर्ट, मैंने इंसान को देख के किया है, इंसान को देख के मैंने सपोर्ट किया। अगर आप रेडी हो, विभोर भारद्वाज जी सर आप हैं यहाँ पर, डायमंड हो, और जब मैं साथ सिल्वर डिप्लोमेट रहे होंगे तो साइकिल अचीवर रहे हैं, और तब से मेरा रिलेशन है, और क्या वो आज बरकरार नहीं, आज आपका एक फोन आता तो क्या मैं आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ, आप एक छोटे से इशू के लिए मैं ईवी रोड भाग के जाता हूँ, जबकि इनके और मेरे बीच में आपको बताऊँ अगर डिप्लोमेट से सिल्वर डिप्लोमेट निकालू तो कम से कम 8-10 निकल के आ जाए। इनकी जिंदगी क्योंकि ये अपना साथ नहीं छोड़ेंगे तो उपेंद्र जयपाल का साथ नहीं छोड़ने वाला। और जब तक ऊर्जा है भगवान की तरह अभी बहुत ऊर्जा बढ़ी जाएंगे, जब तक ऊर्जा है मैं आपको आपका साथ ही नहीं छोड़ने दूंगा। बस वो सॉफ्टवेयर जो अपना था करप्ट नहीं होना चाहिए, तो जुड़े रहना जरूरी है, राइट। तो कभी भी ढाई लाख के लिए तो मैंने आप लोग तो कॉलेज रहे, मैंने काम ही नहीं किया, काम किया सपने के लिए। देखो आपको मैं बताऊं, बिफोर परमिशन आप ये बोलते सर आपको मेरी मीटिंग की जरूरत है, मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आना है सर, ऐसा ऐसा शेड्यूल है, मैं अपना शेड्यूल भी फाइनल करता हूँ, आपके शेड्यूल से भी अपने शेड्यूल को मैच करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। बिफोर कन्वेंशन आप लोग मेरा वक्त मांगते हो तो क्या इस कन्वेंशन में मैं आप लोगों से कुछ मांग सकता हूँ? मांग सकते हैं? मैं देखो मैं और कभी नहीं मांगता हूँ आपसे, आपको पता है मेरी और कोई डिमांड नहीं रहती है, आप बिना बुकिंग भी करा लोगे तो मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो माई रियलिटी। लेकिन इस कन्वेंशन के स्टेज से क्या मैं आपको सुना सकता हूँ? राइट, लास्ट टाइम आपसे कुछ मांगा था, उस पर प्रोसेसिंग चल रही है, हिमांशु जी, उदित जी आप जानते हैं, अतुल जी आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने मांगा था उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, वहाँ पे जड़े में मजबूत बना रहे थे। आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी में, वहाँ पे उससे जो भी निजाम होता है ना वो पूछता है उससे आपको क्या चाहिए, आप चाहे देख जाओ, तो बाजीराव मस्तानी मूवी में जो रणवीर सिंह का रोल था उसके बाद जो निजाम पूछता आप चाहते क्या, उसका जवाब क्या होता है, पूरा हिंदुस्तान। दे सकते हो आप लोग? यस सर। पूरा हिंदुस्तान, ऐसा नहीं कि बस वहां पे हमारी बस टहनियां लटकी हुई है, पूरा हिंदुस्तान पूरी जड़ों के साथ एक मजबूत पेड़ मिलने चाहिए। दे सकते हो आप लोग? दे सकते हो आप लोग? और बाकी सर आप डिस्कशन थोड़ा बहुत हिंट दे ही रहे थे, जब मौका मिलेगा विदेशों में तो सर करके भी दिखाएंगे। अभी हम इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, और इंडिया में आपने बोला सर आज 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ लोग हैं जो बिलो 25-30 मिलेगा, और उसमें भी नॉन एजुकेटेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, 18 से 25 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 20-25 करोड़ लोग आते हैं। आज हिंदुस्तान खुद भी एक ऐसा देश है जहां पे इतना बड़ा स्कोप है इस इंडस्ट्री का, कुछ कहने का नहीं, बाकी अगर सर आप मौका देंगे आप देंगे जो भी हमें राह दिखाएंगे सर वहां चलने के लिए तैयार है। अभी तो हम हिंदुस्तान में इतना सारा युवा वर्ग पड़ा है जिसको हमें करके दिखाना है,
अब अगर आप बिजनेस कैलकुलेशन की बात करते हो तो मैं बिजनेस कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूँ। विशाल सर थोड़ा सा इजाजत दे, मैं बिजनेस कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूँ। 20 करोड़ का आप, मैं कह रहा हूँ अगर हम कंसिडर कर लेते हैं 20 करोड़ यूथ भी, और लॉ ऑफ एवरेज को कैसे भी मान लो, 100 में से एक भी ज्वाइन करता है तो कितना है, आप कैलकुलेशन करो, 100 में से भी एक ज्वाइन करता है तो हमारे कितने लोग आएंगे, 2 करोड़ आएंगे, कितना आएगा, 100 में से एक परसेंटेज बताए, 20 लाख आएगा, 20 लाख लोग आए हैं। अगर 20 लाख लोग आते हैं हमारे पास आज की डेट में, आप कोई भी कर ले, देखो आप तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 20 लाख में जो बैलेंस का आज का कमीशन है उसके अकॉर्डिंग देख लो कैलकुलेटर, 1 लाख में 5 करोड़, 20 लाख में कितना होगा, अब जिसके खाते में जितने आ जाए मैं कह रहा हूं आने वाले 2 डेकेड में भी आप कर ले होंगे, 2 डेकेड में बात कर रहा हूं, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा जो 18 साल की उम्र में ज्वाइन करता है अगर वो 38 की उम्र में ऐसा कर लेगा, और नए लोग भी तो पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जनसंख्या की कोई कमी तो हो नहीं रही, अगर आप 2 डेकेड में भी आप कर लोगे, 20 ईयर्स में भी आप इसको करके दिखा देते हो, तो एट द एज ऑफ 38 आप कहीं जा रहे हो और आपके बारे में बोला जा रहा है मल्टी करोड़पति, क्या गलत है क्या? अब मल्टी करोड़पति नहीं, ये जो मानसो गौर जी है उनकी वर्थ है 100 करोड़, और ये होगा अगर बिजनेस की बात ही कर रहे हैं, अदर डेवलपमेंट यूएस का प्रोडक्ट जो है वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो हमारा डेवलपमेंट ही है, तो सेल्फ डेवलपमेंट का टारगेट है, इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है क्या, जो अदर चीजें मिल रही है दैट इज डिफरेंट थिंग, वहाँ पर लोगों को ओनली दस है, 2 डेकेड में भी अगर हम एक काम करके दिखा देते हैं तो कितना बड़ा हमारे लोग, यकीन नहीं आता है कि आने वाले वक्त में जो भरन से बात कर रहे थे कि इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा होंगे तो उसे ebiz.com प्राइवेट लिमिटेड से पैदा होंगे, और ये जो कैलकुलेशन में बात कर रहा हूँ सर, ये कैलकुलेशन मैं ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ, खुद ही ऐसी मैं कोई बात ही नहीं करता जिसका जिस चीज को मैंने खुद सोचा ना हो, राइट, तो ये बातें थी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, इतना सब कुछ मिल चुका है, बस अब हमें लगातार लगे रहना है, लगातार काम करना है। हाँ एक बात और भी है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा 2 मिनट में, अगर आपने सुना होगा कि आप 3 से 4 साल 5 साल लगातार लगे रहोगे तो आप ईवीएम में कामयाब हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ लगे रहने में बात नहीं बन पाएगी, अगर आप सिर्फ लगे रहेंगे ईवीएम में आपको कामयाबी मिलाएगी, सवाल को धक्का देंगे तो कोई फायदा नहीं है, जो सिर्फ लगे रहने में कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, लगातार अपने अंदर अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को बदलना है, और जो जो चीजें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से उन चीजों को कॉन्कर करना है, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, उनके ऊपर काम करके दिखाना है, सिर्फ 3 से 4 साल तक लगे रहने से कोई बात नहीं बनेगी, आपको लगातार अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लेके आना है, जो भी आपको मुश्किलें लग रही हैं, जो भी काम में आपको अड़चने आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करना है, और अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आना है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बातचीत करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल होता है, आज इस कन्वेंशन में आप आए हो, इस कन्वेंशन में बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना है, बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली है, मुझे पता है यहाँ पे 25,000 लोग बैठे हुए हैं,
25,000 में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो एक परमानेंट चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाएंगे, परमानेंट इंस्पिरेशन लेके जाएंगे। ज्यादातर लोग आए हैं आज एक्साइटेड हैं, एक हफ्ते एक्साइटेड रहेंगे, एक हफ्ता एक्टिविटीज करेंगे, कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो वापस वही पुरानी चालू हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का ये मायने नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मायने ये होता है कि जो आज आपने ठान लिया है, जो आज आपने सोच लिया है और जिस बदलाव के बारे में आज आपने सोचा है कि मैं ये बदलूंगा अपने अंदर, आज मुझे ये कमी अपने अंदर महसूस हुई है, आज मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे लैग करा तो मेरे अंदर एनर्जी की कमी, तो मेरे को एनर्जी लेके आनी है, मेरे को ट्रेनिंग की कमी नहीं, मेरे अंदर ट्रेनिंग लेके आनी है, जो भी कमी आपको महसूस हुई है उस कमी को आज से हमें अपने अंदर उसको दूर करना है हमें। और ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, लगातार सेल्फ डिसिप्लिन से अपने ऊपर काम करके। हमारी लड़ाई मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई किसी और से है ही नहीं, हमारी लगातार जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई हमारी अपने दिमाग से चल रही है और कुछ नहीं। मेरी भी लगातार लड़ाई चली है, मुझे अपने आप से लड़ना पड़ा, अपनी हैबिट से लड़ना पड़ा। जब मैंने ईमेल शुरू किया था आज से लगभग 10 सालों पहले, तो उस समय अगर मैं बोलूं तो कॉलेज का जो सर्कल था मेरे को पता था कि वो सर्कल मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उस समय डिसीजन मैंने लिया कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों के सर्कल को छोड़ के मुझे अप्लाइंस के सर्कल में आना है, मुझे निखिल सर के साथ में आना है, मुझे दिवाकर सर के सर्कल में आना है। अगर उस समय वो डिसीजन मैंने नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी के फ्रेंड्स महात्मा गांधी के नहीं थे, सिद्धार्थ के आसपास के लोग महात्मा बुद्ध के नहीं थे। वर्ड ऑफ सिद्धार्थ डजंट नो हाउ टू कोरिलेट विद महात्मा बुद्ध। अगर आपको भी अपनी अपनाई जैसी सफलता चाहिए, या आप जिन भी लीडर से इंस्पिरेशन लेते हैं उनके जैसा आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के एक अनकंफर्टेबल जोन में आना है। जो कंफर्टेबल जोन आपका है वो जोन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जब अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में लाओगे, आपकी अप्लाइंस होंगी वो आपको डिसकंफर्ट देंगे, आपको अनकंफर्टेबल जोन में लेके आएंगे। उनसे बातचीत करने को, आपको डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करना, आपको पता है कि डेवलपमेंट आसान तो होता है, वो आसान तो होता नहीं। जबकि आपको अपनी आदतों को बदलने के बारे में बोलेंगे, आपको अपने शेड्यूल को बदलने के बारे में बोलेंगे, आपको हो सकता है रेकमेंड करें सुबह जल्दी उठना शुरू करो, हो सकता है रेकमेंड करें रेगुलर मीटिंग्स में आना शुरू करो, वो सारी चीज़ें को करने में आप अनकम्फर्टेबल हो। लेकिन जब तक आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर अनकम्फर्टेबल जोन में नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सफलता आपको मिले, और तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपनी अपलाइंस की जैसे बनने वाले। एक जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर को उस कुकून में रहने में बड़ा कम्फर्ट होता है, लेकिन कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाए तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में तब्दील होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो सबसे पहले वो कैटरपिलर अपने कंफर्टेबल कुकून को छोड़ती है, तब जाके वो कहीं और प्रॉपर एफर्ट्स मारती है। अनकंफर्टेबल होती है वो डिस्कम्फर्ट से बाहर, वो अनकंफर्टेबल वो कम्फर्ट जो उसका है उस कम्फर्ट से बाहर निकल के अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाती, तभी वो बटरफ्लाई कर सकती है। लेकिन हाँ, जब आप बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन में होते हो तो उस समय आप चाह के भी पुराने ओरिजिनल शेप पे नहीं जा सकते। अगर बार बार होगा आपका कि आपका पुराना जो शेप है, पुराने जो फ्रेंड सर्कल है, पुराने जो लोग आपका अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वहां पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना, अपने आप को अनुशासन में रखना है कि आपके पुराने लोग आपको खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग को जीतना है, अपने आप को जीतना है, लगातार अपने ऊपर काम करते हैं। और वो कहीं ना कहीं अगर आपके पास कुछ बड़े सपने हैं तो वो बड़े सपने आपको खींचते हैं, आपको आगे आने वाले हैं।
का मतलब मेरा ये है, सिर्फ हमें लगे नहीं रहना है कि 3 से 4 साल तक हम लगे रहे हैं, लगातार हमें अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आना है। जो भी चीजें हम हमें लगता है कि हमारी कमजोरी है, उनको हमें अपनी ताकत में बदलना और हमें आगे आना है। और एक बार जब वो कैटरपिलर का ट्रांसफॉर्मेशन एक बटरफ्लाई में हो जाता है, तो इस बटरफ्लाई का रोल ये होता है वो आसमान में उड़े और भी कैटरपिलर्स के लिए वो एग्जाम्पल बन जाए, और भी लोगों को इंस्पिरेशन ले रहे। आप एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव से सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, डायमंड बनते हैं। जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हम अपने कर्म से, अपने शेड्यूल से, अपने कर्म से जो भी हम कर सकते हैं, हमारा काम है और भी लोगों को इंस्पिरेशन देना और भी लोगों को आगे लेके आना, ये हमारा कर्म बन जाता है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। हालांकि इस दिमाग में 10 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को पता है कि हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। और जो वादे हमने आज यहां पे लिए हैं, पूरी ईबीएस कम्युनिटी ने जो वादा लिया है, जो हमें फाइनल खेलना है, उस फाइनल को बड़ा जबरदस्त खेलना है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत जबरदस्त काम करके 60,000-1,00,000 लोग भरने का टारगेट हमारा है। उतना सर सैक्रीफाइस, चलिए आप जानते हैं। हम कॉलेज में रहते रहते गाड़ी नहीं ले पाए, बाकी आप समझदार हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको करना है, बाकी आप समझदार, ये स्कूल बुलाकर सर का स्टेटमेंट है। और आपको मैं बताऊं, मैं समझदार था। सर क्या कहना चाहते हैं वो मैं पूरी तरह से समझ गया था। मैंने कहा सर, जो आप कॉलेज लाइफ में गाड़ी नहीं ला पाए हैं, आपका सपना अधूरा रह गया है, वो सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और वही उसी समय मेरी डायरी में मैंने लिखा, तो डायरी आज भी मेरे पास है, मैं होटल पीटी दिखाऊ लिखा आपको मैं बता रहा हूँ। उस समय मैंने डायरी में लिखा, कॉलेज में रहते रहते मेरे को ब्लैक कलर की मुंडाई एसेंट लेनी है। एक बियर ड्रीम था कि गाड़ी कुछ ऐसी सदर पार करेंगे जहाँ पे लड़कियों की स्कूटी खड़ी होती है उसके बगैर में पार करें। जब तक मेरी गाड़ी नहीं मिलती तब तक लड़कियों की स्कूटी नहीं मिलती। सर मैं नहीं बोल रही सर। आप जीरो भी दे दोगे ना तभी भूपेंद्र पाल को फेल नहीं कर पाओगे। आप
फाइव मार्क्स, आप होकर लिखो। देखो ये बिजनेस को कोई चीज ठान लेता है ना, दिल की बात निकल रही है, कुछ इसकी पुनः साधन नहीं है। मेरा भी सपना था कि शुक्ला सर जो आते हैं ना, वो बैगन लाल सर की बगल में मिल जाए, इसे बगल में। हालांकि मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसा, क्योंकि उसका जो खामियाजा होगा पड़ेगा।